This program is sponsored by LSE Auto Wheels Private Limited, Mahobewala Industrial Area, Saharanpur Road, Dehradun. Contact 8954600123. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2016 को देहरादून में चारधाम परियोजना का शुभारंभ किया था। ऋषिकेश से शुरू होने वाला यह प्रोजेक्ट केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक जोड़ा जाना था, जिसके लिए निर्माण का कार्य भी चल रहा था। लेकिन अब एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, क्योंकि सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर पर्यावरण के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया और अब तक 25,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई की जा चुकी है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। उत्तराखंड में बन रहे 12,000 करोड़ के ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर सरकार को झटका लगा है। दरअसल चारधाम परियोजना के अंतर्गत सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर अब तक 25,303 पेड़ काटे जा चुके हैं, जिससे पर्यावरण के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों अब इस मामले पर आमने सामने आ गई हैं। देखिए एक रिपोर्ट। चारधाम हाईवे परियोजना पर एनजीटी ने लगाई रोक। 12,000 करोड़ की चारधाम हाईवे परियोजना पर लगाई रोक। 900 किलोमीटर की है चारधाम हाईवे परियोजना। 356 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण हुआ। 544 किलोमीटर सड़क का निर्माण अभी भी बाकी है। उत्तराखंड में बन रही चारधाम परियोजना के अंतर्गत बन रही ऑल वेदर रोड पर एनजीटी ने फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि एनजीटी ने कहा है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को मिलाने वाली चारधाम हाईवे परियोजना को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अन्य पक्षों से कहा है कि वे अगली सुनवाई तक स्पष्ट जवाब दाखिल करें। वहीं एनजीटी के ऑल वेदर रोड के कामों पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस ने भी सरकार और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। जितना मैंने जाना है इस पीस तक, उनका ये कहना आप वन विभाग तक सीमित रहे। आपने वन वालों से तो क्लियरेंस ले लिया सड़क बनाने का, लेकिन आपने एनजीटी से क्लियरेंस ले लिया, जिसमें पर्यावरण भी आता, अन्य चीज़ें भी आती। उन्होंने रोक लगा दी। आप 3,000 से अधिक पेड़ काट चुके हैं, इससे अधिक पेड़ अब कटने वाले हैं। तो आप फॉरेस्ट से क्लियरेंस लेके काम कराना चाहे तो एनजीटी नहीं देगी। आप पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं और दूषित कर रहे हैं, तो उन्होंने नहीं दी। अब ये सरकार का काम है, सरकार को देखना चाहिए सभी फॉर्म। यश लेने के चक्कर में ऐसे बहुत से काम करते हैं। पता चला कि इसकी बारीकी से इसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, अब काम ही रुक गया तो महीने दो महीने अगर काम रुक गया तो चारधाम यात्रा ही रुक जाएगी, सारा तरीका बदल जाएगा। इसका जवाब तो भारत सरकार और राज्य सरकार दे कि आपने ऐसा काम क्यों किया कि पर्यावरण का क्लियरेंस नहीं लिया आपने और आपने काम शुरू कर दिया। वहीं इस मामले में कांग्रेस के हमलावर होने के बाद बीजेपी नेता सरकार के बचाव में उतर आए हैं। बीजेपी के केंद्रीय प्रवक्ता और उत्तराखंड से राज्यसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा है कि विकास कार्य करने के लिए कुछ न कुछ तो नुकसान उठाना ही होता है। उत्तराखंड के बहुत सारे, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत बड़े क्षेत्रफल में वन है, तो एनजीटी के इश्यूज हमारे साथ रहते हैं। उत्तराखंड के अंदर विकास प्रभावित ना हो, उत्तराखंड के अंदर विकास निर्बाध गति से हो, इसके लिए अगर एनजीटी पे हम लोगों को जाना है, केंद्र सरकार के साथ समन्वय करना है, वो समय आने पे जरूर देखें। पर्यावरणीय मानकों और नियमों का खुला उल्लंघन, सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर 25,303 पेड़ अभी तक काटे जा चुके हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में सड़कों का किया जा रहा है निर्माण। 100 किलोमीटर से अधिक की सड़कों के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन जरूरी। दरअसल ऑल वेदर रोड के लिए याचिका दर्ज की गई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि निर्माण स्थल पर तो चारधाम हाईवे परियोजना के कामकाज का बोर्ड लगा है, लेकिन परियोजना निर्माण की मंजूरी वाले दस्तावेजों में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर्यावरणीय मानकों और नियमों का खुला उल्लंघन भी किया गया है, जबकि इतनी बड़ी परियोजना के लिए सिर्फ वन मंजूरी नाकाफी है। न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से नासिर हुसैन की रिपोर्ट। तो एनजीटी ने एक बड़ा झटका दिया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही थी। 12,000 करोड़ रुपए की ये योजना है। 900 किलोमीटर चारधाम हाईवे परियोजना, जिसमें 356 किलोमीटर चौड़ीकरण किया जा चुका है और 544 किलोमीटर अभी किया जाना बाकी है। तो ऐसे में ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है और अभी तक तकरीबन 25,303 पेड़ काटे जा चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने इस योजना के लिए एनजीटी से परमिशन नहीं ली, और अगर परमिशन नहीं लिया तो फिर आगे जो 25,000 पेड़ काटे गए हैं उसका क्या? तो कई ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। एनजीटी से क्लियरेंस लिए बिना अगर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो आखिर क्यों? और कहा यह जा रहा है कि ये जो चार धाम को जोड़ने वाली सड़क परियोजना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए शायद जिस तरीके से क्लियरेंस चाहिए एनजीटी से वो नहीं लिया गया, और यही वजह है कि आज एनजीटी ने इस पर रोक लगा दिया है। तो एनजीटी ने एक बड़ा झटका दिया है। जो चारधाम सड़क परियोजना है उस पर रोक लगा दी है। आजाद अली जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आजाद जी, एनजीटी से क्लियरेंस लिए बिना ये काम शुरू कर दिया गया। देखिए है क्या, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, चाहे कोई कानून की बात करो या कोर्ट की बात कीजिए, हर जगह अपने मनमाने ढंग से काम करने पे लगी हुई है। लेकिन मुश्किल बात यह है सबसे बड़ी, जो एक उत्तराखंड प्रदेश है हमारा, ये प्रकृति से हरा भरा प्रदेश है और इसी से जाना जाता है। और ग्रीन बोनस की भी यहाँ पे कई बार बात उठी, मांग उठी, पर वो इसीलिए उठी कि यहाँ पे प्रकृति का एक अच्छा खासा स्टेज है। और जिस तरीके से ऑल वेदर रोड के मामले पे एनजीटी ने रोक लगाई है, वो कतई भी कोर्ट तो जल्दी कोई ऐसा फैसला लेती ही नहीं या कोई ऐसा निर्णय नहीं लेती जो विकास विरोधी हो। कोर्ट ने तो विकास विरोधी निर्णय नहीं लिया है वो, लेकिन जो विकास के नाम पे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, बिना मानक पूरे किए ऑल वेदर रोड को बनाया जा रहा था, वो वाकई में इस कदर निंदनीय था कि हम बात करते हैं पर्यावरण को बचाने की, और उत्तराखंड में इस ऑल वेदर रोड को बनाए जाने के लिए लगभग 31,000 पेड़ काटे गए हैं, जो कि अपने आप में एक इतिहास बन चुका है। 31,000 पेड़ विकास के लिए कहीं पे अगर काटे जाते हैं तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की मनमानी है, और एनजीटी ने अगर रोक लगाई है तो अब इसका पूरा का पूरा सब कुछ सब सामने आने के बाद ही ये कार्य दोबारा से शुरू हो, क्योंकि उत्तराखंड में चार धाम के लिए जो रोड जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड का काम मोदी जी ने शुरू कराया है, वो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य तो है, लेकिन उसके साथ साथ दुर्भाग्य की बात ये है कि उत्तराखंड में सिर्फ एक चारधाम जाने वाली रोड ही नहीं है, ऐसी कई सारी रोडें हैं जो एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ती है, जो कुमाऊं गढ़वाल मंडल से कुमाऊं मंडल को जोड़ती है, ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें हैं जिनको मोदी जी ने अनदेखा कर दिया है। अगर वाकई में वो विकास के लिए इस ऑल वेदर रोड को यहाँ पे बनाना चाहते थे तो वो उत्तराखंड की उन 4, 6, 8, 10 उन सारी रोडों को चिन्हित करके एनजीटी से परमिशन लेके करते तो आज देश में क्या विदेशों में भी इसकी प्रशंसा हो रही होती। लेकिन मोदी जी ने वही अपने मनमाने ढंग से जबरदस्ती ऑल वेदर रोड का कार्य शुरू कराया, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए कि मैंने 4 धाम की रोड ऑल वेदर रोड बना दी है। सिर्फ वाहवाही तक का उनका मकसद था और जो आज एनजीटी ने कहीं ना कहीं अटका दिया है, झटका दे दिया है। और ये तगड़ा झटका है सरकार के लिए। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से इस वक्त मथुरा दत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। एनजीटी के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं मथुरा जी? देखिए, एनजीटी का जो फैसला आया है वो केवल सरकार की जो फेलियर है उसके ऊपर ये फैसला आया है। जिस तरीके से वाई लूटने के लिए भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने कहा कि हमने साहब आपको 12,000 करोड़ की सड़कें दे दी, ऑल वेदर रोड हम बना रहे हैं। हालांकि ये तो इन्होंने नाम बदला, ये तो पहले कांग्रेस के समय का प्रोजेक्ट था। ऑस्कर फर्नांडीज जी मिनिस्टर होते थे 2010-11 में 12 में, तो उनका प्रस्ताव था, उस जमाने का प्रस्ताव था। ठीक है, काम होने में समय लगता है। इन्होंने उसका नाम बदल दिया ऑल वेदर रोड। अगर ऑल वेदर रोड आपके बनानी थी तो सरकार ने के ये जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है। उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जल्दीबाजी में इस तरीके का निर्णय लिया। न फॉरेस्ट का क्लियरेंस लिया, न एनजीटी में कोई बातें कही, न अन्य मंत्रालयों से बात की, न वित्तीय प्रबंधन की बात इन्होंने की। तो जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था और उसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ रहा। सरकार क्या खामियाजा भुगतती है? उत्तराखंड की जनता खामियाजा भुगत रही है। अब जगह जगह रोड टूटी है, धूल धक्कड़ है जगह जगह। अब आने वाले समय में कीचड़ होगा, सड़कें, ये बार-बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत से, और 4 धाम यात्रा आपके सिर पर है, आपने रोडें खोद दी है और एनजीटी का फैसला आ गया, सारा काम रुक गया। तो सरकार का मैनेजमेंटल फेलियर है ये, और सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और जल्दीबाजी में निर्णय लिया। उसका खामियाजा उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। तो एक और चीज़ है मथुरा जी, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, जल्दबाजी आपने कही कि जल्दबाजी में ले लिया गया। अभी तक तकरीबन 356 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है और इसमें 25,303 पेड़ काट दिए गए हैं। पूरे देश और दुनिया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत मंचों पर बातें हो रही हैं, लेकिन 25,000 पेड़ यूं ही काट दिए गए। और कुछ दिनों पहले हमने इसी को लेकर के एक प्रोग्राम किया था। उस दौरान बीजेपी की ओर से ये कहा गया था कि अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो हम दूसरी जगह पेड़ लगाएंगे। क्या ये संभावनाएं दिखती हैं कि 25,000 पेड़ आप काट चुके हैं और 25,000 पेड़ आपने लगाया है? नहीं, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और झूठ बोलने का काम करती है। पेड़ तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अगर आपने सड़क का वाइडनिंग करनी है, चौड़ीकरण करना है, तो निश्चित रूप से पेड़ तो कटेंगे ही कटेंगे आपने। लेकिन इन्होंने उसके लिए न की परमिशन ली, न एनजीटी से कोई परमिशन लिया, क्योंकि उत्तराखंड 5 जोन में है। पूरा 5 जोन का इलाका है, तो भूकंपीय इलाका भी है। और अभी आपने कहा कि 300 कुछ किलोमीटर सड़क बन गई। मैं बता रहा हूँ कहीं भी नहीं बनती। मैं जनपद पिथौरागढ़ का निवासी हूँ, वहां से देहरादून 570 किलोमीटर बैठता है और हम 150 किलोमीटर जो हमारी रोड कट रही है वो कहीं पर हर 25-25 किलोमीटर में हमको आवागमन में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। रोड कटी नहीं, कहीं पर आधी अधूरी रोड छूटी है, कहीं पर ब्लॉक हो रही है, कहीं पर आपका मलबा पड़ा हुआ है, कहीं पत्थर पड़ा हुआ है, जगह जगह पर। वही हाल में अभी श्रीनगर गया था अभी 8-10 दिन पहले किसी व्यक्तिगत काम से। वही हाल श्रीनगर वाली रोड का है। पिछले महीने मैं टेहरी गया था एक शादी समारोह में शामिल। नरेंद्र नगर से लेकर चंबा तक की रोड में मुझे जाने में 4 घंटे लग गई। अब आप लगा लीजिए कि कहाँ सड़क पूरी हुई। मैंने जो जल्दीबाजी की बात कही, ये सरकार की आक्रमणता का काम। बिल्कुल, कई ऐसे प्रोजेक्ट रहे हैं, कई ऐसी चीजें रही हैं जहां पर जल्दबाजी देखने को मिली है सरकार की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनिल जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद मित्र। अनिल जी, अगर सड़कें बनाई जाएंगी तो ये बात भी सही है कि पेड़ कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं और वो भी उत्तराखंड के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो 25,000 पेड़ कट चुके हैं और अब एनजीटी ने इस पर रोक लगा दिया है, तो क्या पर्यावरण को भी संरक्षित करने के लिए सरकारें जो हैं वो नहीं सोच रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य मित्र ये है कि दुनिया में ये अपना ही देश और अपना राज्य नहीं है जहां सड़कें बनती हों। बिल्कुल, सारी दुनिया, चीन 65% पहाड़ी है, पूरा यूरोप पूरी तरह से पहाड़ी है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम जब किस तरह की भी योजना बनाते हैं तो वो इंक्लूसिव नहीं होती। मतलब अगर सड़क बनाने की योजना है तो सड़क की ही सोचनी है, दाएं बाएं चीजों को नहीं सोचना है जी। और यही एक बड़ा है कारण कि हमें आने वाले समय में इन तमाम तरह के खामियाजाएं भुगतने पड़ते हैं। ये हमारी विडंबना है इस देश की, ये राज्य की नहीं पूरे देश की विडंबना है कि हम किसी भी इस तरह की डेवलपमेंट की जो भी योजना होती है उसको इंक्लूसिव नहीं करते। इंक्लूसिव से मेरा मतलब है कि जब चाइना में सड़क बनती है या स्विट्जरलैंड में सड़क बनती है, वो मात्र सड़क नहीं होती, सड़क के साथ ये भी जोड़कर देखा जाता है कि उसके दाएं बाएं स्थिति को किस तरह से साथ में संभालना, जो कंट्रैक्ट का हिस्सा होता है दोनों को मिला करके होता है। ये भी हिस्सा होता है कि जो मलबा होगा वो कहाँ जाएगा, उसका कौन सा ठिकाना होगा, वो नीचे फेंकने वाली कहानी वहां नहीं होती। तो अभी क्या है कि डेवलपमेंट के लिए अब हमने इतनी कीमतें दे चुके हैं, इस तथाकथित विकास के नाम पर हम सबसे ज्यादा कीमत दे चुके हैं। और मैं आपके आंकड़े बता देता हूं कि राज्य बनने के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा वनों का नुकसान हुआ है तो उत्तराखंड राज्य में हुआ है। बिल्कुल, ये आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं मोटे मोटे रूप में, और ये कहीं FSI की शायद रिपोर्ट में भी नहीं आया हुआ, ये 17 साल की कहानी है। सवाल ये पैदा होता है कि हम किसी भी तरह इकोलॉजिकल स्टेट कहलाते हैं, मतलब एक सेंसिटिव स्टेट है, ये सब चीजें देखिए इसमें कई तरह के नुकसान है। नुकसान नंबर 1 जंगल का नुकसान, नंबर 2 कि जो रास्ता बनेगा वो आने वाले समय में किस क्या रूप ले लेगा, नंबर 3 पैसों का नुकसान, नीतियों का नुकसान। एनजीटी अगर 25,000 पेड़ कटवाने के बाद नींद टूटती है तो ये भी बड़ा सवाल है। ये अगर पहले दबदबे में एनजीटी के साथ जुड़कर योजना को सोचने की बात की जाती तो ये नहीं होता। तो ये सब चीजें दुर्भाग्य से ये है कि हम लोग सामूहिक चिंतन से दूर हैं, हम कहीं ना कहीं पता नहीं किस रूप में कहाँ जा रहे हैं, ये सवाल बड़े खड़े हैं। और ये सारे देश को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, नदियां खत्म हो गई, ये अब हमारी नदियां इस तरह से खत्म होंगी और दूसरों की नदियां दूसरे तरह से खत्म होंगी। तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो कि दुनिया में आज सबसे नंबर 1 स्ट्रेटेजी को माना जा रहा है कि आप अकेले खेती के बारे में नहीं सोचेंगे, खेती को जंगल से जोड़कर सोचिए, क्योंकि जंगल से खेती से बहुत से जुड़ाव होते हैं। बिल्कुल, इसलिए ये जो आज बहस है या जो कुछ भी है एनजीटी के निर्णय हैं, ये सामूहिक रूप से बहुत पारिस्थितिकी और आर्थिकी दोनों का बड़े नुकसान की तरफ हमारी ये बिल्कुल एक चीज आजाद जी आपसे जरा सा जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष जो है उसकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, चलिए पक्ष में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जिम्मेदारी बनती है। हर तरीके के मुद्दे पे सियासत होती है, हर तरीके के मुद्दे पे, लेकिन पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण को संरक्षित करने को लेकर के कभी हमने ये नहीं देखा है कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर बात की हो, चर्चा की हो। हाईवे बन रहे हैं तो ये आरोप जरूर लग जाएंगे कि आप नाम लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए हाईवे बनवा रहे हैं, लेकिन उससे जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है इस चीज को लेकर के कभी जिक्र नहीं किया जाता। हेलो जी जी, देखिए ऐसा है, उत्तराखंड में या पूरे देश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी कर रही है और वहां उस हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से विपक्ष के तौर पे, जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे अपनी बात को हमेशा रखा है। और उत्तराखंड में जिस तरीके से मोदी जी ने प्रहार अनेकों प्रकार से शुरू से कर रखे हैं, जब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब से लगा के अब तक, वो मोदी जी तो उत्तराखंड में विकास, चाहे वो राज्य सरकार का हो, चाहे वो केंद्र सरकार से जुड़ा मामला हो, चाहे वो राज्य हित हो और चाहे वो राजनीतिक विषय हो, पर मोदी जी ने हमेशा उसको पर्सनली लेकर चले हैं। लेकिन एक बात उत्तराखंड राज्यवासियों की समझ से परे है, मोदी जी अगर वाकई में उत्तराखंड में विकास करना चाहते हैं तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ चारधाम यात्रा को जोड़कर एक वाहवाही के तौर पे ही उसको लूटना चाहते हैं या वाकई में विकास करना चाहते हैं? अगर मोदी जी वाकई में पर्यावरण की बात करते हैं, और जो उनका एक बड़ा सपना है नदियों को बचाना है, नदियों को बचाने के लिए, गंगा की सफाई के लिए जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हो भी चुका है, अगर वाकई में मोदी जी इसको जमीनी स्तर पे करना चाहते थे या करना चाहते हैं तो उन्होंने जिस तरीके से अभी अनिल जी ने कहा कि भाई इसकी एक स्ट्रेटजी तैयार की जाती है, उसकी एक रूपरेखा बनती है कि अगर इसमें से मलबा कहाँ जाएगा, पेड़ कहाँ जाएंगे, तो वो अगर मोदी जी वाकई में ले लेते उस तरीके से तो आज उत्तराखंड का हर नागरिक इसकी वाहवाही कर रहे होते मोदी जी की। और दूसरा आज एनजीटी जाने तो की नौबत ना आती। कभी सवाल भी तो नहीं उठाए कांग्रेस ने, नहीं कांग्रेस को लेकर इसमें कई बार सवाल भी उठे हैं और खुद जिला पौड़ी के मेरे पास कई व्यक्ति आए जिन्होंने मुझे लिखित में दिया, राजीव कंडारी के नाम उसका टेंडर था जिसमें उन्होंने मुझे ये तक कहा कि ये मातवर सिंह कंडारी के सुपुत्र हैं जो कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और क्या आप इसको देंगे? मैंने उसको खुद शासन में दिया है, मोदी जी को दिया है, जिसकी रिसीविंग कॉपी मेरे पास है, लेकिन कोई जवाब ना तो शासन स्तर से ही आया और ना ही कोई जवाब मोदी जी के कार्यालय से आया। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से जुड़े जवाब नहीं आया तो आप बैठ गए? नहीं, बैठे नहीं। अब ये तैयारी उत्तराखंड में जगह जगह चल रही थी, अब वो जो तैयारी चल रही थी कांग्रेस के लोग भी कर रहे थे, अन्य लोग भी कर रहे थे, वो आज हो गया पूरा। एनजीटी ने उस पर रोक लगा दी और मैं उम्मीद करूंगा कि ये रोक अब तभी हटेगी जब कोई मानक इसके पूरे करके कोई कार्य हो पाएगा और उस कार्य करने की मनसा और दशा दिशा भी तय हो जाएगी। क्या वाकई में वो विकास के लिए किया जा रहा है तो उसमें कितना विकास होना है और कितना विनाश होना है ये भी तय हो जाए पहले। चलिए, ये सारी चीजें तय होनी चाहिए। और एनजीटी ने जो रोक लगाया है पर्यावरण को संरक्षित करने को लेकर, सरकारों को पहले ये सोचने की जरूरत है कि कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। विकास के लिए सड़कें बनानी भी जरूरी हैं और उसमें पेड़ भी कटेंगे, लेकिन उसके लिए एनजीटी के जो मानक हैं उनका ख्याल रखना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एनजीटी ने एक बड़ा झटका दिया है केंद्र और उत्तराखंड सरकार को कि चार धामों को जोड़ने के लिए जो सड़क परियोजना थी, ऑल वेदर रोड का नाम दिया गया था, उस पर रोक लगा दी। कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप news_india.nims पर हमें लाइक कर सकते हैं।